नमस्कार, हिंदी के इस पाठ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एरिक मिलाज़ा को कौन नहीं जानता है, आप भी जानते होंगे। वे मॉरिशस के और दुनिया भर के एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे धावक हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, देश में भी और विदेश में भी। 400 मीटर की दौड़ में उनका नाम उल्लेखनीय है। मॉरिशस की बात जब करते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल जगत में, तब इनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज के इस पाठ में हम इन्हीं के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। आप इनके बारे में सुनिए, इसके बाद पाठ में आए कठिन शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनिए। एरिक मिलाज़ार का जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। उसने एक धावक के रूप में अपने देश मॉरिशस का नाम ऊंचा किया। उसने अनेक 200 तथा 400 मीटर की दौड़ों के समय के नए मानदंड स्थापित किए। उसने ओलंपिक खेलों के अतिरिक्त अनेक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिताओं में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया। एरिक मिलाज़ार ने लगातार सन 2000, सन 2002 तथा सन 2004 में दौड़ प्रतियोगिताओं में जीत प्राप्त कर अफ्रीकन चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया। पेरिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता से लौटने के उपरांत उसने इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स, जो मॉरिशस में हुए थे, उनमें भाग लेकर मॉरिशस का नाम रोशन किया। इन खेलों में उसने एक कुशल धावक के रूप में 3 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक प्राप्त किया। एरिक मिलाज़ार ने 400 मीटर की दौड़ में 45.78 सेकंड्स के समय का नया मानदंड बनाया। सन 2007 में उसे चिकुनगुनिया हो गया था, पर अपने दृढ़ इरादों के कारण वह रुका नहीं। इस बीमारी के बावजूद भी वह प्रतियोगिताओं में लगातार भाग लेता रहा। जब मेडागास्कर में इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स हुए, उसने अपनी हिम्मत, संघर्ष तथा दृढ़ निश्चय के कारण वहां पर 3 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक पुनः प्राप्त किया। सन 2009 में उसने मॉरिशस के खिलाड़ी के रूप में फ्रांकोफोन गेम्स, जो लेबनान में हुए थे, पुनः 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वह वहां मॉरिशस की टीम का कप्तान था। उसी वर्ष उसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब तथा नकद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मॉरिशस देश को अपने इस धावक पर गर्व है। बच्चों, हर पाठ की तरह इस पाठ में भी कुछ नए शब्द आए हैं, सो आइए इन शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध, मशहूर, धावक, दौड़ने वाला, मानदंड, मानक अथवा स्टैंडर्ड, नाम ऊंचा करना,
प्रसिद्धि प्राप्त करना, प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, खिताब, उपाधि, हासिल, प्राप्त, नाम रोशन करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, कुशल, प्रवीण, स्वर्ण, सोना, रजत, चांदी, पदक, मेडल या प्रतीक चिन्ह, संघर्षशील, हिम्मती अथवा प्रयासशील, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, गर्व, अभिमान। दोस्तों, आप मेरी बात मानेंगे कि आजकल बहुत सारे नए नए खेल आ गए हैं और इन नए खेलों के चलते आप पुराने खेल भूल गए हैं। सो आइए कुछ परंपरागत तथा आधुनिक खेले जाने वाले खेलों के नामों को ध्यान से सुनते हैं। कबड्डी, लुक्का छिप्पी, निशानेबाजी, खो खो, लट्टू, मुक्केबाजी, कुश्ती, पहलवानी, पतंगबाजी आदि परंपरागत खेल हैं। आधुनिक खेलों के नाम सुनिए। फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि। बच्चों, कुछ खेल इंडोर अर्थात ढके हुए स्टेडियम या बड़े कमरों में खेले जाते हैं, जबकि कुछ खेल आउटडोर अर्थात खुले मैदान में खेले जाते हैं। जैसे गोल्फ आउटडोर खेल है तो टेबल टेनिस अधिकतर इंडोर ही खेला जाता है। आज के इस पाठ के व्याकरण भाग में आइए क्रियाओं के प्रयुक्त उचित रूप को समझने का प्रयास करते हैं। एरिक मिलाजा हर वर्ष नए रैकेट के लिए प्रयत्न करता है। वह हर वर्ष नए पौधे लगाता है। दौड़ने के अनेक लाभ हैं। आज शाम को वह आश्रम आएगी। 2 दिन पहले वह बाजार गई थी। अगले वर्ष हम विदेश यात्रा पर जाएंगे। कल उसने मुझे अपना साइकिल दिया। वह प्रतिदिन सुबह सैर करता है। विवेकानंद के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। रमेश कल कक्षा में कहानी सुनाएगा। सो दोस्तों, इन उदाहरणों से आप क्रिया के सही रूप से परिचित हुए होंगे। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के होने या करने का भाव ज्ञात होता है। आशा है कि आप स्वयं भी क्रिया के उचित रूपों का वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।